जमशेदपुर एसडीओ पारुल सिंह ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मानगो इलाके में छापेमारी की है। इस दौरान फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। साथ ही साथ बता दें कि गिरोह के सरगना मोहम्मद मंजर आलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने 50 से ज्यादा फर्जी सर्टिफिकेट, कंप्यूटर, प्रिंटर समेत अन्य सामान भी बरामद किए हैं। फिलहाल आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, सूचना हम लोगों को मुझे लग रहा है एक हफ्ते पहले से मिला हुआ था, जिसमें हम लोगों को ये पता चला था कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर तरीके के सर्टिफिकेट्स बनते हैं और इन सर्टिफिकेट्स का यूज़ होके मतलब कई यूनिवर्सिटीज़ के सर्टिफिकेट हैं, इंजीनियरिंग के सर्टिफिकेट हैं, आधार कार्ड वगैरह है, पैन कार्ड का भी सूचना मिली थी और उसको यूज़ करके ये लोग नौकरी लेते हैं और एडमिशन्स लेते हैं। इस तरह की सूचना प्राप्त थी। इस पर हम लोग कई दिनों से वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट हम लोगों को वो मिल नहीं पा रहा था कि किस तरह से वो किया जाए, सराउंड किया जाए। फिर फाइनली आज एक डमी कैंडिडेट वहाँ पे गया था और अपना सर्टिफिकेट बनवाने, तो वो सुबह में सर्टिफिकेट बनवाने गया था, इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट बनाने गया था। उसके बाद सर्टिफिकेट उसका बन गया और सिस्टम, इनके लोगों के पास कंप्यूटर्स हैं, पूरा सिस्टम है, सारे सिग्नेचर्स हैं और बिल्कुल ओरिजिनल की तरह के सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, मतलब आप कहीं से उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और उसके बाद वो उसका जब सर्टिफिकेट बन गया तो सर्टिफिकेट लेने के लिए, वो पैसे देने के लिए और सर्टिफिकेट लेने के लिए वहाँ पे पहुँचा, तो उसी समय मतलब हम लोगों ने रेड किया। एसडीओ मैम को इनपुट था कि रोड नंबर 17 में जो है जाली सर्टिफिकेट बनाने का काम चल रहा है, उन्होंने उसके संबंध में सूचना शेयर की थी और आज दिन में उस पर कार्रवाई हुई। उनके स्टाफ लोग भी आए हुए थे, हम लोग भी गए और फिर वहाँ से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से कुछ फर्जी सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले हैं, अब हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं उस समय। हाँ, एक सफलता है, इसलिए कि जब ऐसी गिरफ्तारियाँ होंगी या इस तरह का उद्भेदन होता है तो दूसरे लोग जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं उनका भी मनोबल गिरता है। समय समय पर हमारे पास जो है जाँच आते रहते हैं कई सारे इंस्टीट्यूट्स का जो आज़ाद नगर में है कि वो फेक चल रहा है, हम लोग सत्यापन बना के भेजते भी हैं। लेकिन अगर वाकई में कोई बहुत ही छुपे रूप से इस तरह की कार्रवाई कर रहा है तो इस तरह की गिरफ्तारियों से निश्चित रूप से उनका मनोबल गिरता है।